ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या इलस्ट्रेशन 6 किया था, उसका बैलेंस शीट करेंगे अभी हम लोग, राइट? जस्ट क्विकली हैव अ लुक। ये वाला क्वेश्चन करना है हम लोगों को। इसका जर्नल एंट्री हो चुका है, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट भी बना चुके हैं। इसमें आप देखेंगे कैपिटल रिजर्व आया 84,000, बिकॉज वी हैव रिटन ऑफ पेटेंट्स, राइट? वी हैव अज्यूम दैट इट इज नॉट वर्दी, सो वी हैव राइट इट ऑफ, राइट? सो अकॉर्डिंगली हमारा कैपिटल रिजर्व कम हो गया। अभी नया बैलेंस शीट बनाना है। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज दैट वी हैव डन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30% वेव किया, उनको बदले में डिबेंचर्स दे दिया हमने। डिबेंचर होल्डर वाला लोग प्लांट ले गया, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिटर इन्वेंट्री ले गया, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन। इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, सॉरी राइट ऑफ किया। पीएल डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ एंड पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। नया डिबेंचर इश्यू किया है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बैंक ओडी को पे ऑफ कर दिया, देयर इज नो बैंक ओडी एनी मोर। देन डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में चला गया, राइट? वेरी सिंपल। क्विकली हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। एबीसी लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल, सबसे पहले शेयर कैपिटल में नोट वन में 26 लाख है। अभी नीचे आते हैं तो प्रेफरेंस शेयर तो डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया, बचा खाली इक्विटी शेयर कैपिटल, और नया इक्विटी शेयर भी इश्यू नहीं हुआ है, राइट? इज इट ओके? तो सीधा यहां पे 20 लाख आएगा, नोट बनाने का कोई दरकार नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप लिख सकते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 इंच। ठीक है, पीएल डेबिट बैलेंस उड़ गया है, ठीक है ना? नया में खाली कैपिटल रिजर्व आएगा 84,000 का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिवेंचर था, वो उड़ गया। नया 11% डिवेंचर दिया हम लोग, 4,20,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और 3 लाख का फ्रेश इश्यू किया। तो 11% डिवेंचर का आएगा 7,20,000। 4,20,000 दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 3 लाख दिया था नया डिबेंचर होल्डर को। ठीक इधर में बैंक ओडी खत्म हो गया, ट्रेड पेबल भी खत्म हो गया। ठीक पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 11,50,000,
देखते क्या क्या है। इसमें से प्लांट चला गया, खाली फर्नीचर बचेगा 2.5 लाख का, है ना। अगर एक ही आइटम हो तो नोट बनाने का दरकार नहीं है, एग्जाम में टाइम हो तो ही बनाना। पेटेंट्स हमने उड़ा दिया अज्यूम करके, इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आया 55, राइट। अब करंट एसेट की बात करेंगे, करंट एसेट में इन्वेंट्री 14 लाख, इसमें से 5 लाख का इन्वेंट्री चला गया, ठीक है, 9 लाख का इन्वेंट्री बचा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 14,39,000 है क्या? ट्रेड रिसीवेबल पूरा बचा हुआ है। ठीक है, कैश 10,000, कैश में क्या होगा? 10,000 है प्लस 3 लाख आया, माइनस 1.5 लाख, और कुछ है क्या? तो आ गया 28,04,000 बैलेंस शीट टोटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर, बस ये इक्विटी वाला सेक्शन आ गया। और ये एसेट वाला सेक्शन, नेक्स्ट नंबर 8 करेंगे, 7 हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, दैट इज शेयर सरेंडर। ये जो 7 वाला है ना, दिस इज शेयर सरेंडर। ये हम लोग करेंगे, नंबर 8 करते हैं। नाउ अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बोल दिया है, रिकवर लिमिटेड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज,
ओइंग टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एडवर्स मार्केट कंडीशन। क्लियर? और 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 70,000 का डेबिट बैलेंस होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग 50,000 डिबेंचर होगा, ट्रेड पेबल है, बैंक ओडी है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर भी है, राइट। अब इस टाइप का सम्स में कुछ रखा नहीं है गया है, सिंपल सिंपल है। पीपीटी दे दिया, इंटेंजिबल दे दिया, नॉन करेंट दे दिया, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि बैंक उल्टा तरफ है। शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, इसमें पीएल डेबिट बैलेंस है, इसमें सिक्योर्ड डिबेंचर है, इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें गुडविल है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल बाय अ कोर्ट, मैंने बोला था ना कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन, सो बीइंग एन अकाउंटेंट वी हैव टू जनरलाइज दिस, ठीक है। डन, इतना सा करने से हमारा हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलता है 2.5 रुपया का बना दो, 10 रुपया का एक प्रेफरेंस शेयर है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको 2.5 रुपया का बना दिया, राइट। नंबर ऑफ शेयर उतना ही रहेगा रिडक्शन में, तो क्या होगा 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है ना। 15,000 × 10 1.5 लाख, 15,000 × 2.5 37,500 डिफरेंस चला गया कैपिटल रिडक्शन में।
ये पूरा इक्विटी कैपिटल 2 लाख का है, 10 वाला इक्विटी शेयर को 1 रुपया का बना देने बोला है। तुम लोग सोचेगा मैं समझाऊं, समझाने का कुछ है ही नहीं इसमें, नंबर ऑफ शेयर उतना ही रहने वाला है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, खाली ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है। ये जैसे शेयर सर्टिफिकेट है ना, ये पूरा 10 रुपया का शेयर सर्टिफिकेट है। अभी होता क्या है, पेपर छोटा नहीं होता है, पेपर वो साइज वही रहता है। कहने का मतलब है इसमें लिखा रहेगा ₹10, ₹1। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इसमें 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 ईच, ₹1 ईच। पेपर का साइज सेम रहता है बट उसमें वैसा लिखा रहेगा। तो कंपनी के बुक्स में जो कैपिटल पहले 20,000 × 10 था, वो अब क्या हो जाएगा? सो लाइबिलिटी स्ट्रेट अवे रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 लाख टू 20,000। हाँ ना, चलो वेंचर होल्डर को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिला है एट एन अग्रीड फिगर ऑफ 75,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तुम्हारा बुक्स में कितना है? 120। उसको 75 में पहले लेके आएंगे, फिर हाँ है ना, फिर जो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ये बाकी का पैसा देने लेने का कोई बात नहीं हुआ था वहां पे। जैसे अगर आप देखेंगे डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम कितना का है, 50,000 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और यहां पे इंटरेस्ट पेबल है 5,000 का। तो प्रिंसिपल 50,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000, मिला के 55,000 होता है। राइट, दिस इज व्हाट टोटल आउटस्टैंडिंग।
और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है 1,20,000 का, ये अगर वो लोग लेके चला जाता तो बात अलग होता है, लेकिन वहां पे वैसा नहीं हुआ है। तुम ये वाला चीज लेके गए और डिफरेंस का यू हैव पेड मी कैश, वहां पे डिफरेंस का कैश नहीं था, वहां पे कैश था बट दैट वाज एक्स्ट्रा डिवेंचर इश्यूड। गॉट माई पॉइंट? वहां पे बोला 1,20,000 का प्रॉपर्टी प्लांट, 1,00,000 का प्लांट को वो 1,20,000 में लेके गया, तो लाइबिलिटी 1,20,000 से कम किया था हमने और प्रॉपर्टी प्लांट को 1,00,000 से कम किया था, तो ऑटोमेटिकली हमारा डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन में आ गया था। बट यहां पे वो चीज नहीं हो रहा है, यहां पे पहले क्या बोल रहा है, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू को गिराना है। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 45,000, ठीक है ना? नुकसान है ना, 1,20,000 का एसेट को 75 मिलेगा। अब वो 75 का लेके जा रहा है लेकिन उसका क्लेम कितना है 55, तो बाकी के लिए पैसा देगा ना वो। इफ आई एम गिविंग यू मोर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बट यू आर नॉट वर्थ ऑफ इट, मैंने आपको ज्यादा की प्रॉपर्टी दी है बट आपका उतना वर्थ ही नहीं है, तो क्या होगा, डिफरेंस का पैसा मैं आपसे लूंगा ना। नॉट वॉज गोइंग टू हैपन, परसेंट डिबेंचर्स डेबिट, ठीक है, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75, बाकी का 20,000 आप हमको बैंक में देंगे। वहां पे हम लोग अलग से डिबेंचर इशू किया था बट यहां पे आप सिंपली मेरे को कैश में फिगर दे दो। बेटा ये जनरल अकाउंटिंग एंट्री से मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको, समझाने लायक कुछ है ही नहीं। मेरी एक संपत्ति थी, तुम्हारे को सिक्योर्ड था, देखो माय प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड सो यू टुक इट। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो आधा नहीं दे सकते, अगर इस फ्लैट में अगर 5 कमरे हैं तो मैं तुमको 4 नहीं दे सकता, मैं तुमको 3 नहीं दे सकता, मैंने तो तुमको पूरा फ्लैट ही देना है। बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया आज के दिन में, क्योंकि जब हम तुमसे लोन लिया था उस समय उस हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी थी, तो तुमने हमसे उतनी की सिक्योरिटी ली, अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी कैन नॉट बी रिलीज्ड। होता क्या है, हमने आपसे लोन लिया 50,000 का, हमने आपको सिक्योरिटी दिया 50,000 का। अब ओवर द टाइम व्हाट विल हैपन, लोन 40 का होगा लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत 60 हो जाएगी, फिर लोन 30 का होगा प्रॉपर्टी की कीमत 75,000 हो जाएगी, फिर
फिर ये 20 का होगा, प्रॉपर्टी कीमत 90,000 हो जाएगी। चीज को समझ रहे हो? तो इस तरीके से हो क्या रहा है, बाय द टाइम हमारा जब सेटलमेंट होगा तो माई द प्रॉपर्टी, अब इसमें से ऐसा नहीं हो सकता ना, पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी को रिलीज कैसे करेगा? ऐसे तो नहीं बोल सकता इस फ्लैट का 4 कमरा तुम्हारा हुआ, 1 कमरा हमारे को गिरवी है। पार्ट ऑफ द रूम कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बिकॉज उसका एंट्रेंस कॉमन है। तो ऐसा केस हाई प्रोबेबिलिटी है। तो कल को अगर मैं लोन ना चुका पाऊं तो तुम क्या करोगे, ये प्रॉपर्टी तुम ले जाओगे? ये प्रॉपर्टी तुम ले जाओगे, हाँ या ना? तो पूरा रख लोगे क्या पैसा? तो 20,000 अपना लेके बाकी का 70,000 मेरे को दोगे। यू आर ओनली लायबल टू द एक्सटेंट अमाउंट इज ड्यू। Is it fine? चलिए, बाकी का पैसा आप मुझे दे दिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ओ पॉइंट नंबर 2 मैंने इससे छूट गया। 4 साल का डिविडेंड बाकी है और 1 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ठीक है, 1 न्यू इक्विटी शेयर, मतलब बेसिकली शेयर दे रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले पुराना कैपिटल पे आएगा, ठीक है। पूरा हम इसको 48,000 शेयर देंगे टू बी सेटल्ड बाय इश्यूइंग 48,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 इच, आया ना? देना और 1 शेयर 1 रुपया का है तो 48,000 शेयर ना देंगे तो ये हमारे लिए लॉस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
इज इट ओके? चलो, प्लांटर में से रिटर्न डाउन टू 1 लाख, प्लांट है कितने का? 130 का, तो 30,000 राइट ऑफ होगा। गुडविल 50 राइट ऑफ होगा, स्टॉक में 10,000 राइट ऑफ होगा, बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और पीएल डेबिट बैलेंस कितना है? 70,000। तो चारों को एक साथ राइट ऑफ कर देंगे, इन्वेस्टमेंट बाद में अलग से बेचेंगे। प्लांट में 30,000 राइट ऑफ हो रहा है, गुडविल का 50, इन्वेंट्री का 10, हुआ ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बेचना है, 40 का इन्वेस्टमेंट को बेचा, हम लोग 32 में हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 32, लॉस 8, 40 का इन्वेस्टमेंट। डन। तो 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 7,000 का, जिसमें ऑफ विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड। ऑफ दिस अमाउंट 6,300 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो 700 का ना लॉस हुआ मेरे को, उतने का एंट्री दिखाएंगे।
ये आएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक। बीइंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी सेटल्ड, वी कैन डू कैपिटल दिखा देता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। कैपिटल रिडक्शन डेबिट 7,000, ठीक है। लाइबिलिटी 7,000, पहले लाइबिलिटी दिखाया। लाइबिलिटी को हमने पे ऑफ किया, ठीक है। तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी खत्म। कैपिटल बैंक डेबिट 6,300, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, जनरली आपको ये वाला चीज समझ में आएगा। पहले मैंने लाइबिलिटी को दिखाया है, अल्टीमेटली उसका नेट इफेक्ट यही होने वाला है। देखो लाइबिलिटी लाइबिलिटी कट गया, कैपिटल बैंक में हमारा नेट आ रहा है 700 और कैपिटल रिडक्शन में नेट आ रहा है 700। तो अगर आप देखेंगे हमने एंट्री भी वही की है। पहले हमने लाइबिलिटी को बुक्स में दिखाया है, लाइबिलिटी रेज्ड इन द बुक्स। हमने लाइबिलिटी पे कर दिया, राइट। अब समथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्या वो क्लेम तुम्हारे बैलेंस शीट में है? टेल मी, इज इट देयर इन योर बैलेंस शीट? द क्लेम इज नॉट देयर इन योर बैलेंस शीट। तो इसलिए जब रिकवर होगा तो वो सीधा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा।
लाइबिलिटी पैदा हुआ लॉस दिखाएंगे, पैसा रिकवर हो रहा है प्रॉफिट दिखाएंगे, तो लॉस ज्यादा है ना प्रॉफिट से। हाँ इन्होंने वन एंड थ्री को कंबाइन करके दिखाया है, लेकिन हमको ये मोर लॉजिकल लगता है क्योंकि पहले लाइबिलिटी पैदा हुआ, फिर हमने पे किया, अब वो पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, तो हम उसको कैपिटल रिडक्शन में दिखाएंगे। एक्चुअल स्प्लिट एंट्री यही होगी। ठीक है, तो मेन हमको नेट में लॉस हुआ है 700 रुपए का, आया क्या गया उससे फर्क नहीं पड़ता, नेट में हमारा 700 गया है। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्या है इसमें? और बस हो गया ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट देखो मैच कर रहा है क्या? कितने का? 20,800 का। ठीक ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन नेट इफेक्ट यही आएगा, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट जैसे भी करो नेट इफेक्ट यही वाला आएगा। लायबिलिटी दिखा के फिर पे करके फिर प्रॉफिट दिखाना। इसमें आएगा पहले बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 112500, फिर बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 180, फिर सन्ड्री एसेट्स 1,60,000, इन्वेस्टमेंट का लॉस है 8,000 ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 45, प्रेफरेंस डिविडेंड, कंटिंजेंट लायबिलिटी
ठीक है, चलो फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे एंड डिड्यूस नहीं लिखा पिछले क्वेश्चन में। इसके ऊपर वाला में लिखा था क्या? हाँ ठीक है, सेकंड। पीस 800 है, नोट वन बनाएंगे। अच्छा 30,000 इक्विटी शेयर था, 10 वाला उसको 1 रुपया वाला बनाया, प्लस 48,000 और दिया, ठीक है ना? ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है। ये 0 है, ट्रेड पेबल 80 हुआ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम लोग दिखा सकते हैं,
है। तो बैंक ओडी कितना है? 90,000 का है। जैसे जैसे पैसा आएगा हम लोग बैंक ओडी चुका सकते हैं, राइट? एक पैसा हमारे पास आया है कहां से? डिबेंचर वाला लोग 20,000 दिया और इन्वेस्टमेंट बेच के 32 आया, और 700 रुपया नेट में हम पेमेंट भी किया है। नेट में हम पेमेंट भी तो किया है, और एसेट साइड में हमारे पास अलग से कुछ है नहीं। -90 +32 +20 कितना आ रहा है बोल? 31,300। नहीं, कुछ गलत कर रहा है तुम लोग। हाँ हाँ 38 आएगा। पीपी में प्लांट आएगा 1 to 1 लाख का, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आएगा 85 का, ठीक है? इन्वेंटरी कितना है बेटा? थर्टी, ट्रेड रिसीवेबल 50, कोई चेंज नहीं है। आगे नहीं आया। हाँ, स्टॉक 10,000 रिड्यूस भी तो हुआ है, तो 20 आएगा। आ गया बैलेंस शीट टोटल। अच्छा, चलो बैंक ओडी को अलग से रख के कैश दिखाया है।
है, ये हमारा खाली इसमें इलास्ट्रेशन 7 बाकी है। तो अभी देखिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले बार समरी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं घर पे, एमसीक्यू वगैरह है, छोड़ो ये सब अभी, लेट्स कम टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। करिए नंबर 8 करिए, जस्ट गिव ए रीडिंग वंस।
पार्ट लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर विच स्टूड एट द बुक्स एट 1.5 लाख टू बी रिटर्न डाउन टू 95, कम कर देना है 55 से, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस का एप्रिसिएशन हुआ है 55 से, प्लांट एंड मशीनरी शोड अ फॉल इन द वैल्यू, दिस इज द फॉल, इन्वेस्टमेंट एट 2 लाख वॉज ब्रॉट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू एट, मतलब डिफरेंस विल बी द फॉल, डिबेंचर होल्डर्स इन लियू ऑफ देयर 9% डिबेंचर दे विल रिसीव 1/5 इन कैश, दे विल टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग एट वैल्यू ऑफ 72 एंड फोरगो द रिमेनिंग अमाउंट, पीएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है, और अगर पैसा कम पड़ेगा तो जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करने बोला है, ठीक है ना, इतना सही तो बोला है, चलिए क्विकली करेंगे। फर्नीचर को गिराओ 95 में, गिराने बोला मतलब 55 से गिरेगा, राइट, 55 से गिरेगा, फ्रीहोल्ड एप्रिशिएट हो रहा छोड़ दो, प्लांट को 89 से गिराना है, फॉल इन वैल्यू ऑफ 89, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का, उसको 1.5 लाख में लेके आओ, ठीक है, पीएल का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करो, कितना है 55,000 का फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस में एप्रिसिएशन हुआ है, इज इट फाइन, डन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये राइट ऑफ भी हो गया, अब डिबेंचर 2.5 लाख का है, 1/5 कैश में दे दो,
72,000 का लैंड एंड बिल्डिंग ले गया वो लोग, बाकी वेव कर रहा है। देखो लिखा है रिमेनिंग अमाउंट फोरगोन, नाइन परसेंट डिबेंचर अकाउंट कितना, 2.5 लाख, 50,000 कैश, 72,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। टू बैंक, वेंचर को हमने सेटल कर दिया, 3,09,000 का लॉस है, 55 का प्रॉफिट, 128 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 183 का प्रॉफिट और लॉस कितना है, 3,09,000, मतलब 1,26,000 का लॉस जनरल रिजर्व से यूज होगा। बोला हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, एक तरफ तो तुम लॉस दिखा रहा है और ऊपर से जनरल रिजर्व पड़ा है, उसको यूज करेंगे हम लोग। बीइंग जनरल रिजर्व यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यहां पे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियरली बोला है, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसके लिए आप जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। लॉस 1,26,000, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन भी है। देखो इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द लॉसेस अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। दैट्स इट, कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो, नीचे दिया हुआ होगा, एक सेकेंड। टू
2,39,000 यहाँ पे है, 55,000 का यहाँ हो गया, 1,28,000 ये हो गया, 17,000 ये देखो 1,26,000 यूज हुआ है। बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसमें, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन है, पढ़िए। ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,00,000, थ्री फिफ्थ मतलब 6,00,000, टेन परसेंट, वन फिफ्थ ऑफ द न्यू शेयर, जितना न्यू शेयर दिया उसका 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 40,000 का डिबेंचर, डन। लाइक 40,000 का लॉस टू द शेयर होल्डर, मेरे लिए प्रॉफिट है। ये शेयर होल्डर के लिए लॉस है, मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट टू कंपनी। बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एडल्ट, 1,00,000 का फ्रेश इश्यू हुआ है, नया डिबेंचर, 10% फर्स्ट डिबेंचर, डन।
गुडविल 1,40,000 राइट ऑफ करना है, सॉरी एक लाख चालीस, प्लांट 2 लाख का था उसको 1.5 लाख में लेके आओ तो 50,000 से गिराएंगे। टू मीन्स द न्यू वैल्यू, डिफरेंस विल बी द फॉल, एंड बाई मीन्स द फॉल। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 50,000 से गिराना है, बाई बोला है। वर्डिंग्स रिटर्न डाउन टू, रिटर्न डाउन बाई, टू मीन्स न्यू वैल्यू एंड बाई मीन्स फॉल। हम लोग का एंट्री फॉल का करना है, तो ये फॉल का एंट्री हो गया, यहां पे डिफरेंस इज द फॉल। ठीक है, परफेक्टली ड्राफ्टेड स्कीम है, 2,40,000 का प्रॉफिट है और लॉस 240 का है, कट ऑफ हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहां पे। नंबर 10 शायद हम लोग का हो गया, देख लेते हैं एक बार। अटेंड करना है, ठीक है। 11 तो तुम लोग होमवर्क में करना, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट वी हैव डन, इस टाइप का सम हम लोग कर चुका है, तो 11 में नहीं करवा रहा, 11 आप लोग होमवर्क में करेंगे। अभी मैं 12 कराता हूँ एंड 10 आप लोग ट्राई करके आइएगा, हम लोग अगले दिन करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, अभी फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 एंड 11 होमवर्क। ठीक है, 11 तो मैं कराऊंगा ही नहीं क्लास में, 10 वी विल डू। अभी हम लोग को करना है जनरेटर से शुरू करते हैं, और क्या
जनरल एंट्री करते वक्त एंड डिड्यूस वर्ड नहीं आएगा, नया बैलेंस शीट बनाते वक्त आएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया शायद। शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस का डेबिट बैलेंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 6 लाख, ट्रेड पेबल 3 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग 6 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, इंटेंजिबल एसेट दे दिया, ठीक है, इन्वेंटरी दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया, कैश एंड बैंक दे दिया। इधर में शेयर का इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुका, बट फिर भी क्विकली कर लेंगे। शेयर कैपिटल 24,000 है इक्विटी वाला, और प्रेफरेंस वाला 12,000 है, दोनों 100-100 रुपए वाला है, ठीक है। डेबिट बैलेंस लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये है, इसमें दो चीज है, इंटेंजिबल में गुडविल है, राइट ऑफ होगा, आइए इक्विटी शेयर को 40 में लेके आना है, प्रेफरेंस शेयर को 75 में लेके आना है, ठीक है। डिफरेंस चला जाएगा, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 100 इच रिड्यूस टू 100, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या था ये देख लें, 10%, ठीक है। टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीस 100 आएगा, 9 लाख की 12 लाख, न्यू वाला 9 लाख होगा, हाँ बारह हजार इंटू 100, 12,000 इंटू 75, ठीक है। डिवेंचर होल्डर लग लोग इन्वेंट्री ले जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल ले जाएगा, ठीक है। 6 लाख का है, 260, 280,
डन। लैंड एंड बिल्डिंग को 30% बढ़ाना है, प्लांट को 30% गिराना है। इसको बढ़ाना है, इसको गिराना है। तो ये 3,60,000 से बढ़ेगा और ये 5,40,000 से गिरेगा, तो गिराने वाला बाद में कर लेंगे। प्लांट को गिराना है ना, उसके साथ और भी बहुत सारा एसेट गिरेगा। गुडविल कितना है? अरे बोलो, पहले इसका करो ना अलग से। 20,70,000 बीइंग, ये आप रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस भी एक टाइप का लॉस है। यूजुअली कोई भी एक्सपेंस पीएल में जाता है, बट यहां पे मेरे लिए लॉस है ना। वो तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस भी क्या है, मेरे लिए लॉस है। कितना है भैया? 50,000 बुक्स में कैपिटल डिडक्शन को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बोला जाता है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सो दिस इज प्रॉफिट, जस्ट मैं ओरली कर रहा हूं। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 14,40,000, 17,40,000, 18 लाख है ना, और 21,60,000। उसमें 70,000 ये गया, 2 लाख, 20 लाख, 70,000 बचा, 90, 5,000 का ये गया, तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा?
बीइंग एक्सेस प्रॉफिट ट्रांसफर टू फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं। ट्रेड पेबल 3 लाख, बैंक ओडी 6 लाख। बस और कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या?
कहाँ डिफरेंस आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ओ कैश भी तो पड़ा हुआ है यहाँ पे 30,000 का। ओके तो एक काम करते हैं फिर अपन, जब कैश अलग से दिया हुआ है तो बैंक ओडी को फिर 6 लाख पे ही रखो, और यहाँ पे फिर कैश में हम लोग 30 माइनस 5 बैंक ओडी को आप अलग भी रख सकते हैं। पिछले समय भी आप कैश, जरूरी नहीं है ना कैश पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, कैश आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते। यहाँ चीज को समझिए, यहाँ तो कैश था बोल के हम इसको यूज कर लिया, अगर कैश यहाँ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 6 लाख लिखता और यहाँ पे 5 लाख नेगेटिव थोड़ी लिखता। सो नेक्स्ट क्लास आप लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको कंप्लीट कर देंगे, 2 क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन हम लोग टेकअप कर लेंगे एंड वी विल बी एबल टू डू इट। पहले हम लोग 10 ले लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर शेयर सरेंडर, राइट? ठीक है चलो, ओके okay. ₹28,45,000। ओके बाय।